नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज के लेसन में देखते हैं बॉलीवुड गानों के साथ कुछ 16 बीट स्ट्रमिंग पैटर्न्स। इसके पिछले लेसन में मैंने 8 बीट पैटर्न्स दिखाए थे, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। और आज के लेसन में मैं आपको 3 पैटर्न दिखाऊंगा। ये 3 पैटर्न बहुत से गानों में यूज़ किए गए हैं और मैंने कई लेसन में दिखाए भी हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में ज़रूर समझाऊंगा और बाकी अगर आप और देखना चाहें तो मैं आपको उन लेसन के बारे में बता दूंगा जहां पर मैंने ये पैटर्न्स और डिटेल में दिखाए हैं। तो चलिए पहले बजा के देखते हैं। तो ये रहा पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न, और तीसरा पैटर्न। और अगर आप ये पैटर्न्स को म्यूटिंग इफेक्ट के साथ बजाएं तो ये ऐसा लगेगा। तो चलिए इन पैटर्न्स को डिटेल में देखते हैं। पहला पैटर्न यूं बजाया था मैंने, तो आपको स्ट्रोक्स 1, 3, 5, 8, 10, 12 और 13 इन स्ट्रोक्स पर स्ट्रेस देना है। 1, 3 और 5 डाउन स्ट्रोक्स हैं, 8, 10, 12 अप हैं और 13 डाउन। तो मैं धीरे धीरे बजा के दिखाता हूँ। और अगर आप स्ट्रोक्स 5 और 13 ये दोनों डाउन स्ट्रोक्स पर म्यूटिंग डाल दें तो यूं बचेगा ये। ये पैटर्न मैंने बहुत से लेसन में दिखाए हैं। एक याद आ रहा है अभी, ना तुम जानो ना हम, फिल्म कहो ना प्यार है। चलिए दूसरा वाला पैटर्न देख लें। तो आपको स्ट्रोक्स 1, 4, 7, 10 और 13 इन सब पे स्ट्रेस देना है। तो मैं जाके दिखाता हूँ धीरे धीरे। और अगर आप उन्हीं स्ट्रोक्स पे म्यूटिंग इफेक्ट लगा के देखें तो और भी अच्छा लगेगा। ये पैटर्न मैंने बहुत से लेसन में दिखाए हैं। अगर आप देखना चाहें तो अल्लाह के बंदे लेसन को देखें, अंबर सरिया को देखें, इन सब में यही पैटर्न यूज किया गया है। तो चलिए आज के लेसन के लिए तीसरा पैटर्न भी देख लें, वो यूं बजेगा। तो आपको स्ट्रोक्स 1, 4, 8, 12 और 15 पे स्ट्रेस देना है। स्ट्रोक्स 1 और 15 जो है वो आप बेस स्ट्रिंग्स पे बजाएं और बाकी जो 4, 8 और 12 अप स्ट्रोक्स हैं वो आप रेगुलर स्ट्रिंग्स पे बजाएं। तो ये यूं बजेगा। और जो स्ट्रोक्स 4, 8 और 12 है इनको आप अगर म्यूट कर सकें तो ये यूं बजेगा। तो मैं जब बजा रहा हूं तो मैं म्यूटिंग करते वक्त बाकी सब स्ट्रोक्स को बहुत बहुत ही आहिस्ते बजा रहा हूं, तो लग रहा है जैसे कि स्ट्रोक्स 1, 4, 8 और 12 और 15 ही बज रहे हैं। तो आप चाहें तो सारे स्ट्रोक्स भी बजा सकते हैं और सिर्फ इन स्ट्रोक्स पे स्ट्रेस दें, और चाहें तो आप खाली इन्हीं स्ट्रोक्स को बजाएं और बाकी स्ट्रोक्स को स्किप करें। ये पैटर्न मैंने दिखाया है लेसन हम दोनों
दो प्रेमी में जो कि होगा तुमसे प्यारा कौन में भी यूज़ किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पैटर्न्स अच्छे लगे हैं, आप प्रैक्टिस करें और कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझे भेजें, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, सी यू अगेन सून।